नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन बीस। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज की देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों को। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर सरकार का फैसला, पूरे राज्य में तम्बाकू पर लगाया बैन। उसी के साथ में दोस्तों, यहां पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों ने नियुक्ति के नियमों में किए बड़े बदलाव। उसी के साथ में दोस्तों, यहां पर सोने और चांदी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सोने और चांदी में भारी गिरावट का सिलसिला जारी है और ऐसे में यहां पर सोने और चांदी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो चलिए इन सारी खबरों को एक एक करके जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने अपने गोल्डन बीस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। उसी के साथ में आपको बता दें कि अगर आप भी गोल्डन बीस की वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो बाजू में बेल का आइकन है, उसे भी दबा दीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हमारी पहली बड़ी खबर के बारे में। तो यहां पर खुशखबरी, दिवाली से पहले 10 लाख बैंक कर्मचारियों को मिलेगा एक महीने का बोनस। जी हां दोस्तों, 14 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि दिवाली से पहले बैंक कर्मचारियों को बोनस का तोहफा मिलने वाला है। इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि IBA ने सभी सरकारी बैंकों से कहा है कि वे जल्द ही बैंक कर्मचारियों और उनके अधिकारियों को एक महीने का एडवांस एरियल दे दे। एरियल एडवांस DA और बेसिक सैलरी को मिलाकर दिया जाएगा। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक यह एडवांस सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 नवंबर 2017 को बैंक की नौकरी कर रहे थे और अभी तक रिटायर नहीं हुए, और जिन कर्मचारियों ने 1 नवंबर 2017 के बाद और 31 मार्च 2019 के पहले ज्वाइन किया है उन्हें आधी सैलरी ही एडवांस के तौर पर मिलेगी। चलिए तो बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर SBI ग्राहक ध्यान दे, ATM से एक महीने से इतनी बार मुफ्त निकाल सकते हैं कैश, बैंक ने दी जानकारी। जी बिल्कुल दोस्तों, देश की सबसे बड़ी बैंक यानी कि SBI का कहना है कि महीने में 3 बार ग्राहक अपने खाते में निःशुल्क कैश जमा कर सकते हैं। वही बैंक ब्रांच से जाकर 2 बार कैश निकाल सकते हैं। वही आपको बता दें कि SBI ने 1 अक्टूबर 2019 से सर्विस चार्जेस को बदल दिया है। वही आपको बता दें कि SBI का कहना है कि डेबिट कार्ड के द्वारा CDM में नकद निकासी महीने और साल भर में बिल्कुल फ्री है। वही आपको बता दें कि इसके अलावा मुफ्त में कैश निकालने की लिमिट महीने में 2 बार है, साल भर में 24 बार मुफ्त में कैश निकाला जा सकता है। SBI के ATM से महीने में 5 बार मुफ्त कैश निकाल सकते हो और साल भर में 60 बार लिमिट दी गई है। वही इसके बारे में अधिक जानकारी आपको SBI की वेबसाइट पर मिल जाया करेगी। चलिए तो बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर देश भर के 250 जिलों में आज से शुरू होगा लोन मेला, 4 दिन तक चलेगा यह मेला। जी हाँ दोस्तों, त्योहारी मौसम की मांग को देखते हुए 3 अक्टूबर 2019 से देश के 250 जिलों में समियाना लोन मेला की शुरुआत की जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खुदरा ग्राहकों के साथ लघु और मुझल उपकरणों को ऋण मुहैया करवाना है और वही 3 अक्टूबर से 4 दिन तक रिटेल, कृषि, वाहन, घर, MSME, शिक्षा और पर्सनल कैटेगरी में लोन मंजूर किए जाएंगे। इस लोन मेला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर भारत के फैसले से दुबई, बांग्लादेश और नेपाल में महंगा हुआ प्याज, जाने पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, प्याज की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए भारत सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। भारत द्वारा एक्सपोर्ट पर रोक लगाए जाने के बाद बांग्लादेश, नेपाल, दुबई, श्रीलंका वही मलेशिया से प्याज के दाम दोगुना हो गए हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले रविवार को देश भर में प्याज की कीमतों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भारत में होने वाले प्याज के एक्सपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। वही अगर कीमतों की बात करें तो राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई थी। वही भारत द्वारा रोक लगाने के बाद श्रीलंका में प्याज की कीमतें 1 हफ्ते में 50% बढ़कर यानी कि 280 से 300 रुपए श्रीलंका रुपए हो गई है। ठीक है, तो बात करें हमारी अगली बड़ी खबर के बारे में। तो यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक से IOC ने फरीदाबाद में 850 मीटर सड़क बनाई। जी हाँ दोस्तों, IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डामर कंक्रीट में 1.6 करोड़ टन सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए 850 मीटर का रोड बनाया है। ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छा काम जो है IOC ने किया है। वहीं बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर 2019-20 में पाइपलाइन रसोई गैस के 11 लाख से ज्यादा कनेक्शन देगी गेल। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की गेल इंडिया लिमिटेड और उनकी सहयोगी कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष में पाइपलाइन रसोई गैस यानी कि PNG 11.44 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2015 में
एक करोड़ घरों को अगले चार साल में पीएनजी से जोड़ने का लक्ष्य रखा था। बाद में एक करोड़ पीएनजी कनेक्शन की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ाकर 2020 कर दिया गया। चलिए तो बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किए 150 रुपए के सिक्के, जाने कैसे और कहाँ से मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत दिवस 2019 के मौके पर 150 रुपए का चांदी वाला सिक्का जारी किया है। यह एक स्मारक सिक्का है जिसे राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर इसे जारी किया गया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र वाला 100 रुपए का सिक्का जारी किया था। वही आपको बता दें कि स्मारक सिक्का आम सिक्के की तरह ही होता है, लेकिन इसका मूल्य चलन में मौजूदा अन्य सिक्कों से कई ज्यादा होता है। ठीक है, तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर गांधी जयंती के मौके पर राजस्थान सरकार का फैसला, पूरे राज्य में तंबाकू पर लगाया बैन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती के मौके पर राज्य में तंबाकू उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। वही कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में तंबाकू पर प्रतिबंध की बात कही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है। देश भर में हजारों लोग तंबाकू से होने वाले कैंसर की वजह से मरते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा कदम जो है राजस्थान सरकार ने उठाया है। वहीं बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि दिल्ली की सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है और इसके तहत माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षक के लिए नियुक्त होने वाले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम सीमा 30 वर्ष होगी। ओके, तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर होम और कार लोन वालों को मिलेगी खुशखबरी, आरबीआई कर सकता है ये बड़ा ऐलान। जी हाँ, अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वही फेस्टिव सीजन भी शुरू हो चुका है और ऐसे में मार्केट में डिमांड बढ़ाने के लिए आरबीआई भी कुछ न कुछ नए इंतजाम कर सकती है। वही जानकारों के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में आरबीआई की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। पर इस बार भी आरबीआई रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 4 अक्टूबर को खत्म होगी। वही दोस्तों, आपको बता दें कि रेपो रेट में कटौती से बाजार में डिमांड पैदा होगी, लोन सस्ते हो जाएंगे, खास करके होम, कार और कंज्यूमर लोन पर असर देखने को मिलेगा। लोन फिर से खरीदारी पर फोकस करेंगे। जानकारों का कहना है कि डिमांड पैदा करके ही सरकार इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। ठीक है, तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर दिवाली के 11 दिन बाद फिर बढ़ेंगे सोने के भाव, पहुँचेगा 40,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा समय में गोल्ड में उतार चढ़ाव का माहौल चल रहा है। इसका कारण घरेलू मांग में कमी बताई जा रही है और ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि दिवाली तक गोल्ड में अनिश्चितता का माहौल रहेगा। ऐसे में गोल्ड में खरीदारी करने का सही वक्त है। वही दिवाली के कुछ दिन बाद शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा। इसके बाद गोल्ड फिर से 40,000 पर बन सकता है, यानी कि गोल्ड की कीमत 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा सकती है। वही कारोबारियों का कहना है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के साथ घरेलू मार्केट में गोल्ड की डिमांड बढ़ नहीं रही, मार्केट में गोल्ड की खरीदारी कम हो रही है। लोग अभी गोल्ड में निवेश करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे और इस कारण गोल्ड में उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। मगर गोल्ड की डिमांड दिवाली के 11 दिनों के बाद बढ़ सकती है, क्योंकि तब शादी और ब्याह का सीजन आरंभ हो जाएगा। वही कारोबारियों का कहना है कि जब घरेलू मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो फिर से गोल्ड की कीमत में तेजी रोकना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में जो लोगों को अगर गोल्ड की खरीदारी करनी है तो मार्केट पर नजर रखनी चाहिए। जैसे ही गोल्ड नीचे आए तो तुरंत खरीदारी कर देनी चाहिए। वही अगर बात करें कीमतों की, तो 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 37,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रही है। वही अगर 24 कैरेट की बात करें तो 38,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। चलिए, तो समय हो चुका है आज के हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न को जानने का। तो आज का हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया है। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके देना है और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर भी करना है। और हाँ, सही जवाब देने वाले विजेताओं को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें दिया जाएगा गोल्डन बीज की ओर से सरप्राइजिंग गिफ्ट और पेटीएम कैश। उसी के साथ में आपको बता दे कि 10 अक्टूबर 2019 को विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे।